हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। पटना पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है और कई सवाल भी हैं हमारे सर। पटना पहुंचे हैं सर, क्या कार्यक्रम है, किस तरह के कार्यक्रम राजगीर में है? हाँ, बहुजन समाज पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजगीर में किया जा रहा है और जिसमें करीब करीब कई हजार कार्यकर्ताओं को वहाँ पर पूरे प्रदेश से बुलाया गया है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा पार्टी के विचारधारा के ऊपर और करंट डिलीवरी पार्टी के सिचुएशन के ऊपर, सारी बातों से वहाँ पर जाने का संवैधानिक अधिकारों को वोट के क्या महत्व है, वोट का पावर क्या है, वोट किस लिए है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता उनको अवगत कराने का। लालू परिवार पर एक बार फिर सीबीआई और ईडी का जो है समय जारी कर दिया गया है, क्या देखिए अभी तो जो भी है सब घटनाक्रम आप सबके सामने, उसमें कोई खास समय नहीं है। शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया गया है, बिहार में भी खेला होगा ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कैसे लगता है? देखिए अगर इस देश का संविधान को अगर मानने वाले लोग हैं, अगर लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, मेरे समझ से इस तरह की तोड़ फोड़ को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो विधायक टूटते हैं, यहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं, वहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं, इसको पूरी तरह से एयर प्रक्रिया को रोकना चाहिए, इसके लिए नियम और कानून बनने चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने UCC का समर्थन किया है, पार्टी जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी, आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? देखिए आपने आदरणीय बहन जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ा थी, बहन जी ने कहा UCC पूरे देश के अंदर एक कॉन्सेंसस तैयार करना चाहिए और पूरा देश अगर उस बात को लेकर सहमत है, कॉन्सेंसस उनके फेवर में है, तब हमें UCC को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिना बड़े समुदाय के पक्ष में उनको कॉन्फिडेंस में लिए हम UCC को सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं। अंतिम सवाल, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है, कितने सीटों पर और किसके साथ? ये BSP यहाँ पर बिहार के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उन सब ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से तैयारी चल भी रही है और हम बड़ी सीटों के साथ में इस बार बिहार में कुछ करने वाले हैं। तो देखिए बिहार में कुछ करने वाले हैं, रामजी गौतम जी हैं हमारे साथ थे, पटना पहुंचे हैं और 3 दिवसीय जो है राजगीर में कार्यक्रम है, वही ईडी और CBI का जो फिर से शिकंजा कसा गया है, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये उनका अनुभवी मामला है और इसको लेकर जो है CBI और ईडी जो है जाँच कर रही है। वहीं UCC के मामले पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के आधार पर हम लोग चलते हैं और संविधान जो कहता है वही किया जाता है। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहे थे न्यूज़ के लिए।